छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? गाइज, आपने कुछ दिन पहले ये वाला मीम तो बहुत ही ज्यादा सुना होगा। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची वाला। इसी मीम को लेके आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, वो भी अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर। और ऐसा क्या करने वाले हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्टिंग डीजे रिमिक्सिंग करने वाले हैं इसी मीम को ऐड कर करके, यानी कि किसी भी गाने के अंदर ये मीम ऐड करेंगे और इस मीम के साथ हम कोई भी गाना इंटरेस्टिंग वाला रिमिक्स करने वाले हैं और वो काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी मस्त होने वाला है। आपने डेमो देख ही लिया है। और हाँ गाइज, एक बोनस पॉइंट और है, अगर आप कोई भी सैड गाना रिमिक्स करते हो, यानी कि कोई भी लड़की सिंगर है उसकी आवाज में कोई भी सैड गाने को अगर आप डीजे रिमिक्स कर रहे हो, तो ये वाली वीडियो आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके लिए आज मैं आपको एक मस्त सी ट्रिक बताने वाला हूँ और वो भी इस मीम को लेके, यानी कि ये मीम ऐड करेंगे उसके अंदर और उसका जो रिजल्ट है वो काफी तगड़ा आया है। भाई ये तो क्लियर हो चुका है कि अगर आप कोई भी गाना रिमिक्स करते हो तो ये वाली वीडियो आपको देखना चाहिए। तो भाई बिना देरी के फटाफट से इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक गाना यहाँ पे ऐड हो चुका है, एक गाना यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको जिस भी गाने के अंदर ये मीम्स वगैरह ऐड करना है वो गाना आपको यहाँ पे दोनों तरफ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपलर पे जाना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही सिंपलर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपलर ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हो। तो इसके अंदर आपकी सारी की सारी इफेक्ट है, जो कि आप जो भी ऐड करोगे वो सारी की सारी इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दो मीम ऐड कर रखे, जो कि यहाँ पे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? इन दोनों साइड मैंने अलग अलग मीम्स ऐड कर रखे हैं और ये मीम्स अगर आपको चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ये, इस पे जाके मैसेज करो। यहाँ पे दोनों तरफ आपको ये मीम्स ऐड करने हैं, तो ऐड कैसे करने हैं चलिए ये आपको दिखा देता हूँ। और फिर हम मोबाइल से डीजे रिमिक्स करने वाले हैं, वो भी इस मीम के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा फाइल मैनेजर यहाँ पे आ चुका है। तो ये देख सकते हो छोटी बच्ची के नाम से यहाँ पे मैंने फोल्डर बना रखा है और दोनों की दोनों ऑडियो को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखी है। इस वाले फोल्डर के अंदर ये वाली इफेक्ट डाल रखी है, ठीक है। तो सेम आपको यही करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बना के यहाँ पे ऐसे डालना है, ठीक है। जैसे मैंने फोल्डर बना रखा है वैसे आपको भी फोल्डर बना लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वापस आपको डीजे वाले ऐप के अंदर आना है। ऐप के अंदर आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे इनपुट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको वो वाला फोल्डर चूज करना है जो कि मैंने बताया था छोटी बच्ची वाला। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा छोटी बच्ची के नाम से, इस वाले फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये फोल्डर आपका यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, ये देख सकते हो छोटी बच्ची वाला। एक बार आपको क्लिक करना है ऐसे, इस फोल्डर के अंदर जो भी इफेक्ट होगी वो इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको एडिट वाले ऑप्शन पे वापस क्लिक करना है ऐसे और यहाँ से अब आपको चला के देख लेना है। तो दोनों तरफ हमारी जो इफेक्ट है वो आ चुकी है। अब हम गाना रिमिक्स करते हैं कोई सा भी, तो पहले हम सैड गाना रिमिक्स करेंगे, इसके बाद हम कोई सा भी एक अलग गाना रिमिक्स करेंगे और उसके अंदर ये इफेक्ट को, यानी कि इन मीम्स को ऐड करके गाने को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक गाना लिया है जिसका नाम है सांस में तेरी सांस मिली, तो वो गाना आपने सुना ही होगा जो कि मैं थोड़ा सा ऐसे ही सुना देता हूँ आपको। अब इस वाले गाने को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है और इसी गाने को हम आज इस मीम के साथ ऐड करने वाले हैं। तो अब हम सुनते हैं इस मीम के साथ ये गाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनना। और हाँ गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको अच्छा गाना रिमिक्स करना है इस मीम के साथ तो आपको जो भी लाइन आपकी गाने की चलती है वो गाने की लाइन जैसे ही ख़त्म होती है इसके बाद ही आपको ये वाला यूज़ करना है इफ़ेक्ट। वो कैसे, चलिए देख लो। अब हम कोई दूसरा गाना ऐड करके देखते हैं। कुछ और कहे दिल मेरा, शोर कर बन गया तू मेरा राजा। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? पूछे मत नैना नूरवाने। छोटी बच्ची हो क्या? तेरे ले पवाने। छोटी छोटी बच्ची हो क्या? अब गाइस यहाँ पे मैं आपको अलग अलग गाने टेस्ट करके बता रहा हूँ इस मीम के साथ ऐड करके, तो आप इसको समझ सकते हो कि किस तरीके से ये आपके गाने रिमिक्स के अंदर काम आ सकता है ये वाला इफेक्ट।
मोहब्बत छोटी बच्ची हो क्या गुम है गुम है छोटी बच्ची हो क्या है।